की बिजली गुल हो जाने को लेकर ग्रामीण ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर SDM बिजली विभाग के XEN और SDO ने कहा कि बिजली का भुगतान कर दिया जाए, समय समय पर तो बिजली काटने की समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन SDM साहब ने कहा कि 29 और 30 तारीख को कैंप लगाया जाएगा, जिसमें जिसका बिल भुगतान बाकी है वह कर सकता है। 30 तारीख दिया गया समय कुछ देर बाद बिजली छोड़ने को कहा। पूरा मामला थाना नारकी क्षेत्र के पचवान स्थित काशीराम कॉलोनी का है। काशीराम कॉलोनी के बसिंदों ने बताया, जब तक नहीं जुड़ेगी बिजली तब तक जारी रहेगा हमारा यह प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे SDM ने बताया समस्या के निदान का आश्वासन दिया। थाना नारखी के पचवान स्थित कॉलोनी के बसिंदों ने जलेसर रोड पर बिजली काट देने को लेकर आक्रोशित होकर क्षेत्रीय महिलाओं संग जाम लगा दिया है, जिससे लोग कुछ ही देर में काफी वाहन जाम में फंस गए। सबका एक ही कहना था लाइट सुचारू की जाए। बाद में मौके पर पहुंचे SDM ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। बताते चले कि नारखी क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी के बसिंदों ने पेयजल समस्या को लेकर जलेसर रोड पर जाम लगा दिया। जाम में शामिल महिलाओं ने बताया कि हमारे यहां पर बिजली काट दी गई है, कल आधे घंटे में चालू करने को कहा गया था लेकिन अभी तक नहीं आई है, इसको लेकर जाम लगाया गया है। क्या मुख्य कारण है, क्या वजह है, किस तरह का? देखिए, मुख्य कारण ये है कि कॉरपोरेशन द्वारा चिन्हित 10 फीडर जिसपे सबसे ज़्यादा लाइन हानियाँ हैं, उसमें से ये फीडर चिन्हित है जिसपे काशीराम कॉलोनी स्थित है। अत्यधिक चोरी के कारण एवं विद्युत बिल बकाया के कारण पूर्व में भी कई बार संपर्क स्थापित कर कैंप लगा के यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन विद्युत बिल जमा नहीं कराया गया। इसी संदर्भ में कल सप्लाई विद्युत आपूर्ति जो है विच्छेदित की गई थी, इसी के संदर्भ में सारे लोग सड़क पे आ गए थे। तो SDM साहब से बात करके और पुनः लोगों के आश्वासन पे कि 29-30 तारीख को हम कैंप लगाएंगे, उसमें हम अधिक से अधिक लोग जमा करेंगे, इस आश्वासन पे विद्युत आपूर्ति आज दोबारा जुड़वाई जा रही है। और 29-30 को अगर ये कैंप में जितने 100% रिजल्ट नहीं आते हैं तो फिर दोबारा जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। आज ये पचवान रोड पर ये जाम लगाया है काशीराम कॉलोनी के लोगों ने, किस वजह से लगाया और क्या निस्तारण किया आपने इसको? ये आज पचवान में जो ये काशीराम आवास बने हुए हैं, यहाँ के अध्यासियों द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े बकाया हैं, जैसा कि अभी XEN साहब ने बताया कि लगभग 350 घरों पर प्रत्येक घर 1,00,000 से ज़्यादा का बकाया है और ये विद्युत का बिल जमा नहीं कर रहे हैं। 10-5 लोग जमा करते हैं जब कोई प्रेशर बनाया जाता है, तो इसी क्रम में ये हुआ कि इन्होंने वो जो सप्लाई था उसका विच्छेदन कर दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई विच्छेदन कर दिया। लोग गर्मी में परेशान हो गए तो सड़क पे आ गए, इन्होंने जाम लगा दिया। मैं वहाँ पहुँचा तो इनको समझा बुझा कर मैं लाया, मैंने कहा चलो कॉलोनी में बात करते हैं। विद्युत विभाग के XEN साहब को बुलाया गया, SDO साहब को बुलाया गया, पुलिस के अधिकारी भी हैं यहाँ सुरक्षा के लिए। हम लोगों ने इनसे वार्ता किया, ये बात सच है ये गरीब लोग हैं और काशीराम कॉलोनी गरीब लोगों के लिए ही बनाई गई थी, उसी में लोग आवासित हैं, किंतु बहुत लंबे समय से ये पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और विद्युत को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विद्युत विभाग के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा बकाया है। तो ये तय हुआ कि अब ये 29 और 30 तारीख में मई में ये कैंप लगेगा यहाँ पर, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कैंप लगेगा। कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करेंगे ये और ये उसमें पैसा जमा करेंगे। सर, निवासियों का कहना ये है कि प्रत्येक क्वार्टर में इनका मीटर लगना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये विद्युत विभाग के अधिकारी खड़े हुए हैं, बताएंगे कि उसका क्या समाधान ही निकालेंगे। XEN साहब हैं, आपको ये बताएंगे डिटेल्स।